बिहार में जल्द ही एक बार फिर चुनावी बिगुल बजने वाला है, जिसे लेकर वहां अभी से चुनावी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। बिहार की प्रमुख पार्टियां अपने अपने नेताओं के साथ रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं। विपक्षी पार्टियों ने तो जनता के बीच जाने के लिए अपना चुनावी मुद्दा भी खोज लिया है। बिहार में विपक्षी दलों के लिए मजदूरों का पलायन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में नौकरियां पैदा करने में असमर्थ होने का नारा देते हुए इसके संकेत दे दिए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नतीजतन हजारों किलोमीटर पैदल चलने वाले मजदूर ज्यादा रोजगार के अवसर देने वाले राज्यों की ओर वापस लौटने लगे हैं। जन अधिकार पार्टी यानी कि JAP के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी इस बात को लेकर नीतीश कुमार को दोषी ठहराया था और उसी के एक दिन बाद तेजस्वी का बयान आया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार का विकास वर्तमान में पटना हवाई अड्डे पर नजर आ रहा है, जहां सैकड़ों मजदूर वापस जाने के लिए उड़ान भरने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। विकास उन गांवों में भी दिखाई दे रहा है, जहां हमारे कुशल मजदूरों को लेने के लिए दूसरे राज्यों के काम देने वाले नियोक्ता बसें भेज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ये मजदूर अपने घर तक पहुँचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, क्या वापस घर आने पर वे थोड़े सम्मान और नौकरी के लायक नहीं हैं? वहीं दूसरे राज्यों के नियोक्ता बिहार के मजदूरों के लिए हवाई टिकट और बसें भेज रहे हैं, ये बिहार सरकार के दृष्टिकोण की स्पष्ट छवि को दिखा रहा है। तेजस्वी ने आगे दावा किया कि करीब 40 लाख प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान घर लौटे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने हर मजदूर के खाते में 1,000 रुपए जमा कराने की घोषणा की थी, उनमें से 50% को सरकारी सहायता नहीं मिली थी। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ना तो राज्य और ना ही केंद्र ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तेजस्वी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं, लेकिन ये भी सच है कि वे झूठे भी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के वास्तविक आंकड़ों को भी छिपाया है। बिहार के 16 जिलों में 84 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे। मैंने इसका जिक्र कई बार किया है और मुख्यमंत्री ने केवल 2 बार हवाई सर्वे किया है। आपको बताते चलें कि लालू की सियासी गैर मौजूदगी में JDU भले ही इस बार के चुनाव को एक तरफा बता रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव बदलाव के नारे के साथ मैदान में कूद चुके हैं और बाढ़ और कोरोना संकट के बीच लगातार जनता के बीच जाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोरोना, बाढ़, प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें और बेरोजगारी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार के सामने कई चुनौती खड़ी कर सकते हैं। तो वहीं अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के लिए 43 साल के सियासी करियर में ये चुनाव सबसे टफ क्यों माना जा रहा है और युवा चेहरे नीतीश कुमार को आखिर कितनी बड़ी चुनौती दे पाने में सफल होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।